स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल एडो संकल्प पे। मैं कुणाल बंसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे इंटरेस्ट चैप्टर यानी कि ब्याज, ठीक है जी। इसके दो पार्ट्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट में डिटेल में समझाऊंगा जी ये दोनों टॉपिक्स को लेके। तो ये एक पूरी सीरीज बनेगी जिसमें हमारे चार लेक्चर कम से कम होंगे। तो आप पूरी सीरीज को फॉलो करें ताकि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। हम ये समझेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है जी। कैसे कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और कैसे आसानी से ट्रिक्स के साथ या ऑरली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अप्रोच करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही जरूरी आपके लिए, और बहुत ही मजा आएगा इस पूरे चैप्टर को सीखने में। तो हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियोस हैं वो मिस ना हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक इंटरेस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है जी। तो पहले इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट होता क्या है जी, ठीक है जी। इंटरेस्ट हिंदी में या पंजाबी में इसको ब्याज बोला जाता है जी, ठीक है जी। तो अब क्या है ये इंटरेस्ट? इंटरेस्ट हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी पर्सन का हम पैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उस पैसे को यूज करने के बदले अगर हम उसको कुछ रेंट पे कर रहे हैं, कुछ कॉम्पनसेशन पे कर रहे हैं, तो उसे इंटरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। हम किसी भी चीज के एग्जांपल लेके चलें, अगर हम किसी का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं किसी पर्सन का, तो उस प्रोडक्ट को यूज करने के बदले हमें उसको कुछ ना कुछ रेंट पे करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम किसी और का पैसा यूज करेंगे तो उसके बदले भी हमें कुछ पे करना पड़ेगा, और उस वैल्यू को क्या बोला जाता है दोस्तों? इंटरेस्ट बोला जाता है, ठीक है जी। अब ये दो तरीके का होता है इंटरेस्ट, पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज या मिश्रित ब्याज, ठीक है जी। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है जी, साधारण ब्याज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट वो ब्याज है जी जो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है दोस्तों? प्रिंसिपल वैल्यू उस वैल्यू को, उस अमाउंट को बोला जाता है जो पैसा हमने उधार दिया किसी को, ठीक है जी, उसे प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। और जब तक हम पैसा वापस नहीं करेंगे उस टाइम पीरियड तक, जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हमेशा ही प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी को 1 लाख रुपए उधार दे दिए जी, कितने रुपए उधार दे दिए? 1 लाख, और हमने सेट किया कि हर साल 10% इंटरेस्ट हम पे करेंगे, ठीक है। 3 साल के लिए हमने किसी को पैसे उधार दिए, तो इसका मतलब ये है कि 3 साल तक मैं उसको 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करता रहूंगा, यानी पहले साल भी मैं 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे करूंगा 1 लाख का 10%, दूसरे साल भी 1 लाख का 10% 10,000 पे करूंगा, और तीसरे साल भी 1 लाख का 10,000 ही इंटरेस्ट मैं उसको पे करूंगा, ठीक है जी। मतलब जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू है उस टाइम पे उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है जी। अब क्योंकि ये हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है जी, इसकी ये खासियत रहती है कि ये सेम रहता है हर साल, अगर आपका प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, ठीक है जी। तो इसकी ये खासियत भी है कि इट रिमेन्स सेम, ठीक है जी, ये हमेशा सेम रहेगा अनलेस, ठीक है, जब तक कि आप प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं करते, अनलेस द प्रिंसिपल वैल्यू और द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस, ठीक है जी, और द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस, ठीक है जी। या तो प्रिंसिपल बदल गया जी कुछ टाइम के बाद, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया,
सिर्फ उस केस में ये चेंज होता है, अदरवाइज ये हर साल या हर टाइम पीरियड में सेम ही लगता है। जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा भी था कि हर साल मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, 10-10 हज़ार रुपए ही इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, ठीक है जी। अब उसी सिचुएशन को आगे लेके चलते हैं, ठीक है जी। मैंने कितने प्रिंसिपल कितना लेके चले थे हम, 1 लाख रुपए जी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना लेके चले थे, 10% पर एन, ठीक है जी। और टाइम हमने कितने साल पकड़ा था, 3 साल पकड़ा, ठीक है जी। तो अब हर साल मुझे इंटरेस्ट पे करना, तो पहला साल खत्म हुआ, पहला साल खत्म होने पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपए मैंने पे किया इंटरेस्ट। फिर दूसरा साल खत्म हो गया जी, दूसरे साल के एंड में भी कितना इंटरेस्ट बन जाएगा जी, 10,000 बन जाएगा। अब क्या हुआ, 10,000 इंटरेस्ट पे करने के साथ साथ मान लो मैंने उसको बंदे को 50,000 वापिस कर दिया प्रिंसिपल में से, मैंने बोला कि मेरे पास 50,000 आ गया, तो मैं 1 लाख में से 50,000 अभी आपको वापस कर रहा हूं। तो सेकंड ईयर के एंड पे 10,000 तो मैंने इंटरेस्ट का पे किया, उसके अलावा 50,000 मैंने उसको प्रिंसिपल वैल्यू भी रिटर्न की। अब यानी कि अब पैसा कितना उधार बचा जी मेरे सिर पे, 50,000 ही बचा, क्योंकि 1 लाख उधार लिए थे जिसमें से 50,000 मैंने दूसरा साल खत्म होने पे पहले ही पे कर दिए। अब जब तीसरे साल की बारी आएगी, थर्ड ईयर की, तो मुझे जो इंटरेस्ट पे करना है वो कितने प्रिंसिपल पे करूंगा दोस्तों, 50,000 के ऊपर, क्योंकि 1 लाख में से 50,000 तो मैं वापस कर चुका हूं। 50,000 के ऊपर पे करूंगा, कितने परसेंट पे करूंगा, 10% पे करूंगा, तो यानी 50,000 का 10% कितना बनेगा, 5,000। तो तीसरा साल खत्म होने पे मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा, 5,000। तो आप देख सकते हैं कि पहले 2 साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहा, कारण क्योंकि पहले 2 साल जो प्रिंसिपल की वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए थी, ठीक है। पर तीसरे साल में जाके इंटरेस्ट चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल बदल चुका था। तो ये एक रूल है कि जब तक प्रिंसिपल नहीं बदलेगा, इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। अब यही केस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी अप्लाई होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो इंटरेस्ट बदल जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। मान लीजिए इसी सिचुएशन में हम लेके चलते हैं कि 3 साल के लिए हमने पैसे उधार दिए थे, तो पहला साल खत्म होने पे भी 10,000 इंटरेस्ट बनेगा, दूसरा साल खत्म होने पे भी 10,000 बनेगा, तीसरा साल खत्म हो गया तो भी 10,000 इंटरेस्ट। अब जब 3 साल का ड्यूरेशन खत्म हो गई तो मुझे पूरा प्रिंसिपल वापस करना है, बट अभी मैं प्रिंसिपल वापस नहीं कर रहा, मैंने बोला कि अभी 2 साल के लिए पैसे मुझे और चाहिए। तो उस बंदे ने जिससे मैंने पैसे उधार लिए, उस बंदे ने अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 की बजाय उस बंदे ने 15% पर एनम कर दिया, मतलब हर साल वो 15% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी कि जब फोर्थ ईयर खत्म होगा तो अब मुझसे वो 15% इंटरेस्ट चार्ज करेगा 1 लाख के ऊपर, यानी कि 15,000 पर इंटरेस्ट लेगा। सिमिलरली फिफ्थ ईयर खत्म होने पे भी वो मुझसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 15,000 चार्ज करेगा। तो ये बेसिक रूल है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, कि ये हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। सेकेंडली ये सेम रहता है जब तक आपका प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो। उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है जी। अब चलते हैं अपना सेकेंड पार्ट, विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज, ठीक है जी। इसके बारे में जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। तो आने वाले वीडियोज में मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज का फिलहाल जो हमारा मुद्दा है वो सिंपल इंटरेस्ट को समझना है, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो मीनिंग तो हम इसका डिस्कस कर चुके हैं जी सिंपल इंटरेस्ट का, आइए अब इसके फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होता है और क्या क्या हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों कैलकुलेट करने का एक ही सिंपल फॉर्मूला है, विच इज पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज हुई, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, यानी वो पैसा जो हमने किसी को उधार दिया, ठीक है जी। आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर, हर साल या हर टाइम पीरियड में कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है जी। ये परसेंटेज
और तीसरा था हमारे पास टी, टी स्टैंड फॉर टाइम, एस आई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, एस आई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, और इन चारों के अलावा एक टर्म यूज होती है अमाउंट, ए, ए का मतलब होता है दोस्तों अमाउंट, और अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब जो पैसा हमने उधार दिया प्लस कितना उस पर टोटल इंटरेस्ट बन गया, दोनों को जोड़ने पे अमाउंट मिलती है। ठीक है जी, तो ये पांच टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं। ठीक है जी, टाइम जो होता है वो इयर्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, और डेज में भी हो सकता है। ठीक है जी, और जो सिंपल इंटरेस्ट है ये रुपीज के अंदर होगा, और जो अमाउंट है ये भी किसके अंदर होगी दोस्तों, रुपीज के अंदर होगी। ठीक है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जितना प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट जोड़ने पे हमें क्या मिलती है, अमाउंट मिलती है। ठीक है जी, तो ये पांच चीजें हैं जो इसके अंदर यूज की जाएंगी। ठीक है जी, अब हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल भी रुपीज के अंदर है, ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट भी रुपीज के अंदर है, और अमाउंट भी रुपीज के अंदर है। ठीक है जी, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन के अंदर कि तीनों में से कौन कौन सी चीज हमें गिवन है, भी सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, या अमाउंट, क्योंकि तीनों ही रुपीज के अंदर है जी। ठीक है, एक चीज का हमें ये ध्यान में रखना है, सेकेंडली रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, सेकेंड चीज क्या है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर, वो परसेंटेज की फॉर्म में होती है, जैसे 10%, 5%, 15%, 20%, कुछ इस तरह से होती है। और इसके साथ एक वर्ड यूज किया जाता है पीए, जनरली पीए का मतलब होता है पर एनम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पर एनम, यानी कि हर साल कितना इंटरेस्ट लगे, कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं 10% पर एनम, यानी कि एक पूरे साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मैं 10% चार्ज करूंगा, 12 महीने में 10% चार्ज करूंगा। तो अब अगर मुझे 12% पता है कि, सॉरी 12 महीने का इंटरेस्ट पता है कि 10% है, तो वो 12 महीने से मैं कितने भी महीने का इंटरेस्ट परसेंट निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि पर एनम गिवन है या पर 6 मंथ्स गिवन है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है जी, और तीसरी चीज हमारे पास क्या बची अब दोस्तों, टाइम। टाइम तीन केसेस हो सकते हैं, ईयर का, मंथ्स का और डेज का। ये जो बेसिक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ये जो ये है ईयर्स के बेस पे, अगर आपको टाइम ईयर्स में गिवन हो। ठीक है, हो सकता है आपको मंथ्स में टाइम गिवन हो, तो मंथ्स के केस में जो फॉर्मूला बनता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है जी, अगर आपको टाइम पीरियड मंथ्स में गिवन है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे 12 को। ठीक है जी, और अगर आपको डेज के अंदर गिवन है जिसे टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 इंटू 365। ठीक है जी, तो ये केस है जब आपका टाइम पीरियड मंथ्स में गिवन होगा, ये केस है जब आपका टाइम पीरियड डेज के अंदर गिवन होगा, और ये केस है जब हमारा टाइम पीरियड ईयर्स में गिवन होता है। ठीक है जी, तो तीन केसेस बनते हैं, बाकी सारी टर्म्स के बारे में आपको बता दिया, प्रिंसिपल भी रुपीज के अंदर होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी रुपीज के अंदर होगा, और अमाउंट भी रुपीज के अंदर होगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज की फॉर्म में होता है, जनरली वो पर एनम ही होता है, उसको हम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं जी, लैंग्वेज कैसे हमें गिवन होती है सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है जी, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे, सम ऑफ रुपीज एक्स अमाउंट्स टू रुपीज वाई इन टी इयर्स एट आर परसेंट इंटरेस्ट। ठीक है जी, सम ऑफ रुपीज एक्स, अब ये जो सम है, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल। कहते हैं एक्स रुपीज का प्रिंसिपल, उसकी अमाउंट कितनी बन जाती है, वाई बन जाती है, यानी ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, यानी हमारे पास प्रिंसिपल दोस्तों कितना है, एक्स रुपीज, अमाउंट कितनी गिवन है हमें, वाई रुपीज। ठीक है जी, और यहाँ पे टाइम कितने साल में बोला उसने, टी ईयर्स में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दे दिया आर परसेंट। ठीक है, ये चार चीजें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और जब हमें अमाउंट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं जी। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके, यानी कि वाई माइनस। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन था ये आपको पता चला। जैसे कि अब और क्या लैंग्वेज आ सकती है, क्या बोलता है, अ सम ऑफ रुपीज एक्स डबल दैट सेल्फ, जो आपका सम है, सम यानी कि प्रिंसिपल एक्स, उसकी वैल्यू कहते हैं डबल हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप किसी को एक्स रुपीज उधार दे रहे हो,
तो वो टी ईयर्स में आर परसेंट के हिसाब से उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, यानी अमाउंट कितनी बन जाएगी 2x। एक्स किसी को उधार दिए तो उसका डबल हो गया तो 2x बन गया, ठीक है। कितने रेट पे? आर परसेंट। और टाइम हमें कितना गिवन है दोस्तों? टी ईयर्स। अब यहां पे भी अमाउंट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों कितना बनेगा? ए माइनस पी, यानी कि 2x माइनस एक्स कितना आ जाएगा? x रुपीज हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा जी, ठीक है। तीसरा केस, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज x अमाउंट्स टू रुपीज y एट r परसेंट इन टी ईयर्स। अब यहां पे ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज x, कहते x रुपीज के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? y। अब ये जो है दोस्तों y, ये हमारे लिए क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अब ध्यान रखना है, अमाउंट्स को पढ़ के हमें ये नहीं समझना कि ये अमाउंट की वैल्यू है, ये किस चीज की? इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पकड़ना दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज में हो सकता है आप गड़बड़ करें, ठीक है जी। अब यहां पे x हमारे लिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर? प्रिंसिपल हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? y, ठीक है जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है r परसेंट, टाइम भी हमें बताया गया t years। और यहां से अगर आपको अमाउंट निकालनी होगी तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी दोस्तों? x प्लस y। तो ये लैंग्वेज है, इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है। तो ध्यान में हमें रखना है कि प्रिंसिपल कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है, और अमाउंट कौन सी है। उम्मीद करता हूं ये लैंग्वेज यहां तक आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है जी, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद थोड़ा लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जी। प्रिंसिपल हमें गिवन है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 20% पर एनम, और टाइम भी हमें गिवन है 4 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैलकुलेट लगाएंगे इसको, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो 1000 × 20 / r टाइम 4/100, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 800 रुपये। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट बना? 800 रुपये, ठीक है जी। अब इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे हमें रेट भी पता है, प्रिंसिपल, टाइम भी पता है, तो कोशिश करेंगे कि इसको हमें सॉल्व करके ना देखना पड़े, ऑरली ही हम इसकी अप्रोच बनाएंगे। वो कैसे? अब देखो दोस्तों, हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, यानी कि हर साल कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों? 20% इंटरेस्ट लगेगा हर साल, 20%। और टोटल कितने साल लगना है? 4 साल। तो अगर एक साल में 20% लगता है, तो 4 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? 80% इंटरेस्ट लगेगा। मतलब ये टोटल इंटरेस्ट आ गया, जितना भी हमने टोटल इंटरेस्ट पे करना है 4 साल के अंदर। और कितने प्रिंसिपल पे लगना है? 1000 पे। तो 1000 का डायरेक्टली हम 80% कैलकुलेट कर देंगे, तो 1000 का 80% दोस्तों कितना होता है? 800। तो ये अप्रोच ज्यादा फिजिबल रहेगी हमारे लिए कि हम टोटल रेट कैलकुलेट करें कितना बनता है टोटल इंटरेस्ट, ठीक है जी। उस रेट को फिर प्रिंसिपल पे अप्लाई करके आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मिलेगी। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, प्रिंसिपल कितना गिवन है इसमें? 600 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 5% पर एनम। और टाइम है 4 मंथ्स। अब देखिए इसमें हमें टाइम जो है मंथ्स के दिया हुआ है, तो मंथ्स के केस में हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 12। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, पी 600, आर 5, टाइम 4। मंथ्स में है इसलिए 12 से डिवाइड करना होगा, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितने रुपए इंटरेस्ट बनेगा जी 4 महीने के अंदर? ₹10, ठीक है। अब परसेंटेज के हिसाब से सोच चुके हैं जी अपना, ठीक है जी। रेट हमें गिवन है 5% पर एनम, पूरे साल में कितने परसेंट ब्याज लगेगा? 5% पूरे साल का। बट हमें तो चार्ज सिर्फ 4 महीने का ही ब्याज करना है जी, ठीक है जी। तो अगर मैं पूरे साल का इंटरेस्ट देखूं, 600 का 5% बनता है जी, पूरे साल का ब्याज ₹30 बनता है अगर मैं पूरे साल का लगाऊं। बट क्योंकि मुझे सिर्फ 4 ही महीने का ब्याज लगाना है, तो जो 4 महीने टाइम पीरियड है जी, वो एक साल का 1/3 होता है। 4 महीने जो है पूरे साल का कितना हिस्सा होता है? 1/3। तो इंटरेस्ट भी हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कितना बन जाएगा जी? 10 रुपए, ठीक है। मतलब जितना टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट लगाना चाहते हो, उतना उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रेट को आप कन्वर्ट कर लो,
वहां से आपको डायरेक्टली आपका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। आइए और ट्राई करते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है जी, 200 रुपए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान से, 6% पर 6 मंथ्स, 6 महीने में कितने परसेंट ब्याज लग रहा है जी, 6% लग रहा है। और टोटल टाइम कितना है, 3 साल। अब हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरली परसेंटेज जो होती है वो पर एनम होती है, प्रति साल, एक साल में कितना लगेगा। अब यहाँ पे हमें कितने टाइम का गिवन है दोस्तों, 6 महीने का। अब कॉमन सेंस है कि अगर 6 महीने के अंदर 6% ब्याज लगेगा तो पूरा साल यानी कि 12 महीने, तो 12 महीने के अंदर 12% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये हमें रेट मिल गया पर एनम, 12% पर एनम, ठीक है जी। तो अब रेट के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली, एक साल में मैं कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, 12%, और टोटल कितना साल है, 3 साल। तो 3 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा दोस्तों, 36% इंटरेस्ट। ये टोटल इंटरेस्ट मुझे मिल गया, 200 रुपए प्रिंसिपल के ऊपर 36% इंटरेस्ट हमें लेना है, तो ये कितना बन जाएगा, ₹72। तो 3 साल के अंदर टोटल कितना इंटरेस्ट लगा दोस्तों, ₹72 का इंटरेस्ट लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी प्रिंसिपल कितना, 500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर 6 मंथ्स। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, 2% पर 6 मंथ्स, यानी अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं पूरे साल के अंदर, तो 6 महीने में हम 2% इंटरेस्ट ले रहे हैं जी, तो 12 महीने यानी पूरे साल का देखेंगे, पूरे साल का डबल हो रहा है, 6 का डबल, तो ये 4% बन जाएगा। एक साल के अंदर कितना इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, 4% इंटरेस्ट लगेगा, और टोटल टाइम कितना है, 2.5 ईयर, 2.5 साल। तो एक साल के अंदर अगर 4% लगता है, तो 2.5 साल के अंदर कितना लग जाएगा दोस्तों, 10% इंटरेस्ट। 4 × 2.5 करोगे तो टोटल कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा। 500 रुपए आपका प्रिंसिपल है, उस पे कितना इंटरेस्ट लगाना आपको, 10%, यानी कि 50 रुपए इंटरेस्ट बनेगा टोटल। आइए अगला देख, प्रिंसिपल कितना इस केस में हमारे पास, 400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% पर 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर 3% ब्याज, और टोटल टाइम कितना दिया इसमें, 2 महीने। अब ध्यान से दोस्तों, हमें मैंने पहले भी बताया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको अकॉर्डिंग टू टाइम हम कन्वर्ट कर लेंगे ताकि डायरेक्ट हमें इंटरेस्ट मिल जाए। अब हमें 3 महीने का बताया गया है, 3 महीने में कितना ब्याज लगता है, 3% लगता है, और मुझे टोटल कितने महीने का ब्याज लेना है जी, सिर्फ 2 महीने का। तो यहां से अगर 3 महीने का 3% है, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 1%। हमें लेना कितने महीने का जी, 2 महीने का, तो 2 महीने का कितना इंटरेस्ट बन जाएगा दोस्तों, 2%। तो टोटल मुझे जो इंटरेस्ट पे करना है वो कितने परसेंट पे करना है जी, 2% इंटरेस्ट पे करना है। और ये इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे होता है, प्रिंसिपल पे। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, 400 रुपए प्रिंसिपल है और इस पे 2% इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना बन गया जी, 8 रुपए। टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा, 8 रुपए लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग टू टाइम कन्वर्ट करके उसको डायरेक्टली प्रिंसिपल पे अप्लाई कर रहे हैं जी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, इसमें प्रिंसिपल कितना गिवन है, 7300। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10% पर एनम, और टाइम कितना गिवन है दोस्तों, 120 डेज, ठीक है जी। तो इसमें डेज है, तो जब भी डेज में हमें टाइम पीरियड गिवन होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 365 से डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम 120 डेज अपॉन 100 × 360, ठीक है जी। तो उसकी कटिंग हो जाएगी, 73 के टेबल पे ये कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 10, तो 120 × 2 करेंगे तो कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा जी, 240 रुपए। तो ये 6 बेसिक क्वेश्चन दोस्तों हमने डिस्कस किए, ठीक है जी, कैसे सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो दोस्तों फॉर्मूला ही हो गया P × R × T/100, ठीक है जी, जो कि सबको ही पता है, ठीक है जी। तो जो दूसरी अप्रोच मैंने आपको समझाई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके चलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग टू टाइम हम कन्वर्ट करेंगे, कितने टाइम का हमने टोटल इंटरेस्ट देना है, और कन्वर्ट करने के बाद उसको डायरेक्टली प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करके। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करके देखते हैं। सम एट
13.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 13.5% पर एनम, ठीक है जी। अमाउंट टू रुपीज दिस, अब ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये अमाउंट गिवन, क्योंकि उन्होंने बोला है एक सम जिसे कि 13.5% इंटरेस्ट पे दिया, उसकी अमाउंट इतनी बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए दोस्तों क्या है, अमाउंट है 2502.5, और ये कितने साल बाद बनती है अमाउंट, 4 साल बाद। तो हमें टाइम भी गिवन है 4 साल। अब हमें कैलकुलेट क्या करना, प्रिंसिपल को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, सम कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अमाउंट पता हो, रेट पता हो, टाइम पता हो, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक चीज बताता हूं कि इस क्वेश्चन को करने की एक बहुत आसान ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, ये पूरा पहले डिटेल में करने के बाद, तो देखते रहें ध्यान से। तो पहले डिटेल में करते हैं, अमाउंट हमें कितनी गिवन है 2502.5, और प्रिंसिपल मिसिंग है जी। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो भी नहीं पता, बट इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, पी मिसिंग है। रेट कितना है जी 13.5, और टाइम कितना है 4। ये चीज आ गई जी यहां से इंटरेस्ट, ये डेसिमल हटा के जीरो लगाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे जी 250, 5 के टेबल पे इसको कैंसल आउट करेंगे 27/50। यहां से भी डेसिमल हटाया 250.25/100/10 इज इक्वल टू पी प्लस 27/50 पी। यहां से हम एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 250.25/10 is equal to 77p/50। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 250.25/5/77। 11 के टेबल पे इसको कैंसिल कर रहे हैं जी, 11 2 2 7, फिर ये 7 के टेबल पे कैंसिल किया इसको, 7 3 21, 1 7 7 2 14, 325 × 5 कितना आ जाएगा दोस्तों 1625। तो ये प्रिंसिपल बनता है इस क्वेश्चन का। अब ये तो हो गया पूरा डिटेल मेथड, अब इसके ट्रिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की ट्रिक है, जो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में भी बताया, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी बताया, तो उसी को यूज करेंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने की ट्रिक क्या थी, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, ठीक है जी। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो जिसको अभी इसके बारे में मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में नहीं पता, तो वो परसेंटेज चैप्टर में जाके मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली वीडियो को जरूर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह काम आता है जी, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं। अब इस केस में जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारे लिए प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और फाइनल वैल्यू हमारे लिए क्या होती है दोस्तों, अमाउंट होती है। तो इसको यूज करेंगे। अब इंटरेस्ट की बात करें, 13.5% पर एनम, एक साल में इतना इंटरेस्ट लगना है, और टोटल कितने साल है, 4 साल, तो इसको पूरे कन्वर्ट कर देंगे तो टोटल कितना इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, 54% टोटल इंटरेस्ट बोल रहा हूं 4 साल के अंदर, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल वैल्यू पे लगना है, इसमें ऐड होके अमाउंट बनेगी, तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं, इसमें कितना टोटल इंटरेस्ट हमें ऐड करना है 54%, तो 54% ऐड करने का मतलब 154/100, ठीक है। और ये अमाउंट किसके इक्वल आ रही है 2502.5, लो सिंगल स्टेप के अंदर हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू यहां से निकलेगी। तो पीक कितना आ गया 250.25/10, डेसिमल हटाया, इंटू 100/154। इसको जब सॉल्व करोगे ये कटिंग करके कितना आंसर बनाएगा 1625। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये एक इसका शॉर्ट ट्रिक बनता है। अगर आपको प्रिंसिपल से डायरेक्टली अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है जी। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, जितना भी आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A sum of rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years at simple interest. If the rate of interest is increased by 3%, then it would amount to how much? कहते किसी को हमने 800 रुपए उधार दिए और वो 3 साल में कितनी अमाउंट हमें वापस करता है 920 यहाँ पे अमाउंट है जी। प्रिंसिपल कितना हमारे लिए 800 है,
अमाउंट यहाँ पे हमारे लिए कितनी है दोस्तों, 920 रुपीज है, और टाइम यहाँ पे हमारे कितना है 3 साल। अब देखो प्रिंसिपल अगर 800 है, अमाउंट कितनी है 920, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया जी, 920 माइनस 800 यानी कि 120 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब वो बोलता है कि अगर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो पहले हम चार्ज कर रहे हैं 3% इंक्रीज कर दें तो उसके हिसाब से अमाउंट कितनी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रेट, उसके बाद 3% बढ़ा के दोबारा अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये बनता है, एक इसकी एक और ट्रिक बनती है दोस्तों, वो भी मैं आप आपको समझाता हूं इसके बाद। तो पहले हम ओरिजिनल मेथड बेसिक मेथड से करके देख रहे हैं, 120 हमारा इंटरेस्ट है, 800 प्रिंसिपल है, टाइम 3 साल है, तो रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये हमारे लिए आ गया जी कैलकुलेट करके रेट 5%। रेट कितना आ गया दोस्तों, 5% आ गया। ठीक है, ये ओरिजिनल रेट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 3% रेट ज्यादा चार्ज करना है, तो न्यू रेट कितना हो जाएगा दोस्तों, न्यू रेट हो जाएगा 5% तो हम पहले से ही चार्ज कर रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, 8% नया रेट बनेगा। ठीक है, अब इस रेट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कितनी अमाउंट बनेगी, प्रिंसिपल वही रहेगा, टाइम वही रहेगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला किया, प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक है जी, प्रिंसिपल कितना दोस्तों, 800 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जितना टोटल इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, हर साल 8% इंटरेस्ट लगेगा। टोटल कितने साल है दोस्तों, 3 साल, एक साल में 8%, 3 साल में कितना हो जाएगा 24, एक साल का 8 इंटू 3 करेंगे तो 24% इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसको 124 बाय 100 कर देंगे, यहां से हमें अमाउंट मिल जाएगी विच कम्स आउट टू बी 992। तो ये एक मेथड बनता है जिसमें हमने पहले ओरिजिनल रेट कैलकुलेट किया, उसके बाद नया रेट बना के उसके हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड, ठीक है, जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है जी, वो मेथड क्या है, आइए देखते हैं। अब ये अमाउंट, ये इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है 3% एक्स्ट्रा चार्ज करना है, मतलब जितना इंटरेस्ट बंदा पहले हमें पे कर रहा है उतना तो पे करना ही करना है, कुछ एडिशनल पे करना है। ठीक है, तो हम सिर्फ वो एडिशनल कैलकुलेट करके जितना वो एडिशनल इंटरेस्ट हमें पे करेगा पुरानी अमाउंट में जोड़ देंगे, तो उससे हमें नई अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है जी, तो अब एडिशनल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वो हमें कितना पे कर रहा है जी, हर साल वो 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने को तैयार है, हर साल, टोटल 3 साल का टाइम है, तो टोटल वो हमें कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेगा, 9%। टोटल कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेगा वो 9%, और ये 9% कितने प्रिंसिपल पे लगेगा, 800 पे, 800 का 9% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनता है दोस्तों 72 रुपीज। मतलब पहले जितना इंटरेस्ट दे रहा था उसमें वो 72 रुपीज एक्स्ट्रा हमें अब दे रहा है, तो 920 का अमाउंट तो है ही है, 72 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 992। ठीक है जी, ये हमारी अमाउंट बन जाएगी। आई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 815 इन 3 ईयर्स एंड टू रुपीज 854 इन 4 ईयर्स, फाइंड द सम। ठीक है जी, कहते एक कोई सम ऑफ मनी है जिसकी 3 साल में अमाउंट कितनी बनती है, 815 रुपए। मतलब किसी को हमने पैसे उधार दिए तो 3 साल बाद वो बंदा हमें कितने पैसे वापस करेगा, 815 रुपए वापस करेगा, और अगर वही बंदा 4 साल बाद हमें पैसे वापस करे तो कितने वापस करेगा, 854 वापस करेगा। 3 साल बाद कर रहा है तो कितने वापस कर रहा है जी, 815, और 4 साल बाद अगर वो वापस करेगा तो उसी पैसे को तो कितने वापस करेगा, 854। तो ये जो डिफरेंस आ गया दोनों वैल्यूज के बीच वो क्या है दोस्तों, 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 3 साल का टाइम है, ये 4 साल का, जब 1 साल बढ़ेगा तो 1 साल का इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा उसमें, तो ये जो डिफरेंस आया 1 साल का वो इंटरेस्ट मिल गया हमें 1 साल। अब क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहते हैं तो इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। मुझे पता चल गया कि हर साल कितना इंटरेस्ट लगना है जी, 39 रुपीज इंटरेस्ट लगना है। अब प्रिंसिपल चाहिए, अमाउंट पता हो,
इंटरेस्ट आपको पता हो तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करके आप क्या निकाल सकते हो, प्रिंसिपल। अब मेरे पास दो तरह की अमाउंट अवेलेबल है, 3 साल वाली भी और 4 साल वाली भी। तो मेरी मर्जी है कि मैं 3 साल का इंटरेस्ट निकाल के अगर माइनस कर दूं तो वहां से हमें उसका वहां से भी प्रिंसिपल मिल सकता है, या 4 साल की अमाउंट में से 4 साल का इंटरेस्ट माइनस करके वहां से भी, वो आपकी मर्जी, आप कितना भी निकाल सकते हो। यहां से मैं 3 साल का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, देखिए 3 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 39 × 3 यानी कि 117। तो 117 रुपीज हमारा इंटरेस्ट लगेगा। कितनी अमाउंट है यहाँ पे, 815। तो प्रिंसिपल कैसे निकलता है जी, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, 815 में से 117 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 698 रुपीज हमारा प्रिंसिपल होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, डिफरेंस निकालना है, वहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा और उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस करके प्रिंसिपल निकाल। आइए एक और ट्राई करते हैं इस तरह का, 3 साल के अंदर कितनी अमाउंट बन रही है दोस्तों, 1344, और 7 साल के अंदर कितनी अमाउंट बन रही है, 1536। यानी कि 3 साल बाद बंदा अगर पैसे वापस करेगा तो कितने वापस करेगा, 1344 वापस करेगा, और अगर वही बंदा 7 साल बाद पैसे वापस करेगा तो कितने करेगा, 1536। तो यहां से हम पहले इनका क्या कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस, 4 साल का डिफरेंस आता है तो यहां से हमें 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, ये मिल रहा है माइनस करके 192, ये हमें 4 साल का इंटरेस्ट मिल गया। तो 1 साल का इंटरेस्ट दोस्तों कितना होगा, 192/4, ठीक है जी, 48 रुपीज। तो 1 साल का 48 रुपीज इंटरेस्ट बनता है। अब मेरे पास अमाउंट 3 साल की भी है, 7 साल की, आपकी मर्जी, आप 3 साल का इंटरेस्ट निकालो चाहे 7 साल का, मैं यहां से 3 साल का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। तो 48 × 3 करोगे कितना होता है, 144 रुपीज इंटरेस्ट। और यहां से हम अब निकालेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो 3 साल की अमाउंट थी 1344 और 3 साल का इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया, 144, तो कितना आ जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल, 1200। तो ये बहुत, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड, जहां पे हमने बिल्कुल बेसिक से सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस किया कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको अब समझ में आया होगा क्या लैंग्वेज है, किस चीज का हमें ध्यान में रखना, पूरा मैंने डिटेल में डिस्कस किया। तो वीडियो को सारा अच्छे से देखें, समझें, फिर प्रैक्टिस करें। अगर आपको वीडियो में कोई चीज नहीं समझ में आई तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो अब आने वाली वीडियोज हैं इसी चैप्टर में वो मिस ना हो। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।